उन्होंने पहले ही कह दिया था और अब दोबारा रिपीट कर दिया कि कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है, किसान भोला है, अनपढ़ है, गवार है, समझता नहीं है, उसे जानकारी नहीं है, कुछ लोगों ने बहका रखा है। और तो उन्होंने यूपी चुनाव को देखते हुए या 13 महीने से धरना चल रहा था उस बात को देखते हुए आंदोलन जो है वो वापस कराने के लिए उन्होंने कृषि कानून वापस ले लिया, लेकिन दोबारा फिर लेकर के आएंगे वो तो कह ही चुके हैं, तो इसमें कुछ मतलब ज़्यादा कुछ कहने सुनने के लिए तो बचा नहीं है। दोबारा क्या आंदोलन खड़ा होगा ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि दोबारा इस प्रकार का आंदोलन खड़ा हो पाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि किसान जो है वो अगर दोबारा सरकार नहीं मानी तो फिर ईंट से ईंट बजाने के मूड में है। लेकिन सर एक सवाल खड़ा हो रहा है किसान आंदोलन से, आप जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर किसान आंदोलन के मुकदमे वापस हो सकते हैं तो जो 2 अप्रैल में दलितों ने आंदोलन किया उनके मुकदमे क्यों वापस नहीं कर रहे सर? देखिए दो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, किसानों के ऊपर जितनी FIR हुई ज़्यादातर दिल्ली में हुई, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के अधीन है, तो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, तो यहाँ हरियाणा में भी हाँ वहाँ भी उन्हीं की सरकार है, तो हरियाणा में जो बीजेपी सरकार है खट्टर सरकार है, तो क्या है कि वो लोग करवा रहे हैं भाई बीजेपी से, जब उन्होंने बैठ करके बातचीत की कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं, तो जो किसान संयुक्त मोर्चा है उन्होंने ये भी शर्त रखी थी कि भाई आपको जो वापस लेने पड़ेंगे मुकदमे भी वापस लेने पड़ेंगे, तो मुकदमे वापस हो रहे हैं। और रहा सवाल 2 अप्रैल के वाले मामलों का, तो उसमें तो स्पष्ट है ना कि वो हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, बहुत सारे स्टेटों में है, कहीं बीजेपी की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं किसी अन्य दल की राज्य मतलब क्षेत्रीय दल की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में वो जो सरकार वहाँ चल रही है, जो प्रदेश की हुकूमत वहाँ जो चल रही है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुकदमे वापस होने चाहिए। जैसे जब रविदास मंदिर का आंदोलन दिल्ली में हुआ था, 96 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, सुजीत सम्राट और एडवोकेट जो है उनके पूरी टीम ने उनको वॉच कर रहे थे, और उसके बाद में वो 96 के 96 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट से वापस हुए। तो ये सरकार की नीयत वह है, सरकार की को चाहिए कि जो लोग अपने हक हकूक की लड़ाई रोड पर लड़ रहे हैं और सरकार उन पर अनर्गल जो है वो मुकदमे थोप देती है, सरकार को चाहिए कि उन लोगों को मुकदमे वापस करने चाहिए। कोर्टों पर पहले ही इतना वर्णन है कि वहाँ पहले ही मुकदमों की सुनवाई नहीं हो रही है, आप हज़ारों की संख्या में फिर नए मुकदमे दे दोगे तो गलत है ना। नहीं सर, हक की लड़ाई तो दलित भी लड़ रहे, हक की लड़ाई किसान भी लड़ रहे थे, तो मैं किसानों का क्यों वापस? मैं वही कह रहा हूँ ना कि दलितों के भी वापस हुए हैं, दलितों के दिल्ली में देखिए 96 मुकदमे दलितों पर हुए थे रविदास मंदिर कांड में जो मैंने बताया। नहीं वो तो एक समझौता हुआ था सर, वो तो, लेकिन 2 अप्रैल वाले नहीं हो रहे। ये भी तो समझौता ही है, किसान आंदोलन भी तो एक समझौता ही है। उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम कृषि कानून वापस ले लेंगे, उन्होंने कह दिया हमारे मुकदमे वापस, तो ये भी समझौता ही है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि हम तो दोबारा कृषि कानून लाएंगे, तो फिर वो दोबारा क्या किसान दोबारा आंदोलन करेंगे, क्या किसान एकजुट इस प्रकार से हो पाएगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो भविष्य के गर्म में। सर 2 अप्रैल के मामलों को लेकर मायावती के तो बयान आ जाते हैं कि केस वापस होने चाहिए हमारे सरकार, लेकिन दूसरे जो नेता हैं उनके कोई बयान नहीं आ रहे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी में दलित कम्युनिटी के नेता भाग रहे हैं, जो बसपा में थे वो सब समा जा रहे हैं सब सपा में कहा कि साहब वो ये है वो है, तो अखिलेश यादव को बढ़ करके आगे चढ़ करके बयान देना चाहिए कि हम लोग अगर हमारी सरकार बनी तो हम 2 अप्रैल के मामले के मुकदमे वापस लेंगे। लेकिन वो क्यों कहेंगे? उनका तो दलितों से कोई मतलब नहीं है ना बहन जी, चूंकि दलितों के नेता हैं, सब समाज के नेता हैं, गरीब अकलियत की नेता हैं, तो बहन जी अक्सर ये बात कहती हैं कि हम तो हमारी सरकार आएगी तो हम जो मुकदमा वापस लेंगे। और उन्होंने राजस्थान में जब उसको कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था तो इस शर्त पे दिया था कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं लेकिन जो दलितों के खिलाफ मुकदमे वो आपको वापस लेने पड़ेंगे। लिए नहीं ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने वो मुकदमे वापस नहीं लिए, उधर वापस उल्टा जो बसपा के विधायक थे उनको और तोड़ लिया। तो समस्या वही है गजेंद्र जी के कहने में और कथनी और करनी में फ़र्क है। वर्तमान में जो चाहे तो राज्य की सरकार चल रही है चाहे केंद्र की सरकार चल रही है, ये वही सरकार है सारी जो एंटी दलित हैं, एंटी मुस्लिम हैं, एंटी ब्राह्मण हैं, ये एक तरीके से एक खास समाज की सरकार चल रही है, खास वर्ग की सरकार चल रही है। लेकिन सर यूपी में चुनाव होने वाला है, अभी तो मौका है, सरकारें तो मान सकती हैं अगर सरकार को दबाव बने तो। नहीं, सरकार को पता है ना भाई, योगी सरकार को खूब पता है, तुम इनके मुकदमे वापस ले लो या इनके ऊपर 200 मुकदमे और कर दो, दलित तुम्हें वोट देने वाला नहीं है। उनको पता मुसलमान तुम्हें वोट देने वाला है नहीं, चाहे इन पर तुम NSA लगा दो चाहे हटा लो। उन्हें पता है ब्राह्मण तुम्हें वोट देने वाला है नहीं, OBC में जो कुछ जाति है मोस्ट बैकवर्ड है वो तुम्हें वोट देने वाली है नहीं, ये सबके सब बसपा के साथ जा रही है। तो उनको पता है कि हमारा वोटर है ही नहीं, तो वो तो परेशान करेंगे ना उसको, मुकदमे वापस क्यों लेंगे? सर यूपी चुनाव सर पर है, 2 महीने बाद लगता है यूपी चुनाव हो जाएंगे अगर टलते नहीं है तो। लेकिन इसी दौरान अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव मोहन भागवत से एक मुलाकात करते हैं, क्या मतलब? ये कोई नई बात तो है नहीं। आप देखिए कि जब योगी बाबा का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो उस समय आप उस मंच पर की पिक्चर गूगल पर सर्च कर लीजिए कि उसमें अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव और सारे तमाम जो सपा के बड़े नेता हैं वो मंच पर शपथ ग्रहण समारोह में थे। उससे पहले भी आप देखेंगे जो अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं प्रतीक, उनकी जो मिसेज हैं, उनकी जो गौशाला है, उस गौशाला में योगी जी कितनी बार विजिट कर चुके हैं। आप देखेंगे कि शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, वो कितनी बार योगी बाबा के घर जो
वो जाकर के उनके स्वास्थ्य की राजी घुसी ले चुके हैं। कितनी बार योगी जी मुलायम सिंह यादव जी के आवास पे आकर के उनके घर पे चाय कॉफी पी चुके हैं, उनके बच्चों के साथ फोटो आप गूगल पे मिल जाएंगे, अखिलेश यादव के तीनों बच्चों के साथ फोटो मिल जाएंगी। तो बात यही है गजेंद्र जी की ये समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं ये सबके सब बीजेपी हैं, सबके सब भाजपा ही हैं। वो तो आरोप आप पे लगाते हैं कि आप लोग मिले हुए हैं। हम तो कहते हैं ना हमारी एक भी फोटो दिखा दो, जब योगी की शपथ ग्रहण समारोह हुई तो बसपा का एक भी नेता गया हो, बहन जी की तो छोड़ो कोई छोटा नेता गया हो, बीजेपी के किसी बड़े मंच पर जो है बहन जी या कोई दूसरा नेता गया हो, तो ये कहना आसान है। क्या बहन जी के आवास पर कोई बीजेपी का नेता गया? क्या बहन जी किसी बीजेपी के नेता के ऊपर वहाँ पर गई? ये बात अलग है। संसद भवन में बहन जी रही तो वहाँ पर बीजेपी के तमाम या अन्य दूसरे दलों के नेताओं के साथ में बैठना उठना रहा, क्योंकि वो तो सदन की गरिमा है। तो ये जो लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ही सही मायने में बीजेपी की बी टीम है, और इस बात को खास तौर से मोस्ट बैकवर्ड को और मुसलमानों को समझना चाहिए कि जो जिसको तुम अपना रहनुमा समझ रहे हो, जिसको तुम अपना मतलब एक तरीके से सर्वे सर्वा समझ रहे हो, वो आदमी कहीं ना कहीं बीजेपी की गोद में खेल रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूँ कि उनके घर में तीन चार बहू हैं, यादव परिवार में तीन चार बहू हैं जो वो ठाकुर समाज से आती हैं। अपना अखिलेश यादव जी की जो पत्नी है डिंपल यादव वो खुद ठाकुर परिवार से आती हैं, छोटे वाले भाई की घरवाली वो ठाकुर परिवार से आती है, और भी दो तीन ठाकुर परिवार से हैं, और योगी जी भी ठाकुर हैं। तो आधा तो उनका जो घर चल रहा है वो ठाकुर समाज से चल रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सपा जो बीजेपी के की पार्टी है, लेकिन मुसलमान कह रहे हैं तो हमारी पार्टी है सब। देखिए ये मुसलमान के साथ दिक्कत क्या है कि मुसलमान राजनीति को नहीं समझ रहा। मुसलमान वैसे जो लोग कहते हैं कि मुसलमान सपा का है, मुसलमान किसी का नहीं, मुसलमान उसका जो बीजेपी को हराएगा। अगर कहीं पर मुस्लिम प्रत्याशी है और वो बीजेपी को हराने की उसमें है, स्थिति में है, और वो बसपा का, तो बसपा को वोट कर देंगे, वो कांग्रेस को वोट कर देंगे, वो बीजेपी को वोट कर देंगे। और 18 से 25 साल का मुसलमान तो आप देखो इस चुनाव में वो ओवैसी के साथ जा रहा है। तो मुसलमान, आपने ओबीसी का जिक्र किया, ओबीसी चिल्ला चिल्ला कर यूपी में कह रहे हैं कि सुनो मुसलमानों, क्या अखिलेश किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाएंगे जो 20% है जिनका वोट? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ उनको डिमांड करनी चाहिए। कब तक? जब मैंने तो उनका एक इंटरव्यू देखा जिसमें कहा कि कुशवा जो है वो इतने परसेंट है उसको एक कुर्सी डाल दी, इस राजभर को इतने परसेंट है उसको इतनी कुर्सी डाल दी, उसको कुर्सी डाल दी, हम कब तक खड़े रहेंगे? तो यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आदमी को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार कीजिए कि अगर ओवैसी ने ये कहा है कि क्या डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए इसके लिए। वो तो कह रहे हैं कि जब 3% वाला जाट जयंत डिप्टी सीएम बन सकता है, 20% वाला क्यों नहीं? मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर ओबीसी सवाल को खड़ा कर रहे हैं तो अखिलेश यादव को खड़े होकर के इस पर जवाब देना चाहिए कि हाँ हम बनाएंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री वो क्यों बनाओगे, क्या नाम है, मुसलमान को डिप्टी सीएम क्यों बनाओगे भाई? जब 7% यादव मुख्यमंत्री बन सकता तो 20% मुसलमान क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता? समाजवादी पार्टी अगर सही माने में मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमान उसको अपनी पार्टी मानते हैं, तो अखिलेश यादव को घोषणा करनी चाहिए कि हम अगला मुख्यमंत्री बीजेपी जो है मुसलमान बनाएंगे। क्यों नहीं घोषणा करते? या आप उनको हमेशा से यूज करते रहो। आजम डिमांड नहीं कर रहे, तो नहीं मुस्लिम डिमांड नहीं कर रहे, मुस्लिम ओबीसी ने डिमांड की है ना। आजम खान साहब कितने साल से जेल में हैं, उनका सारा कुछ तहस नहस कर दिया बीजेपी ने। क्या समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने या अन्य किसी आदमी ने कोई किसी प्रकार की उनके लिए कोई प्रोटेस्ट किया, कोई अच्छा वकील किया, कोई कुछ किया? तो मुसलमान जो है वो भोली कौम है, वो धर्म के पीछे चलती है, राजनीति उसकी समझ में ज़्यादा आती नहीं है। कुछ एक चतुर लोग हैं जो आते हैं राजनीति में और दूसरी करवट करके बैठ जाते हैं और अपना पैसा बना लेते हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो राजनीति को बेहतर तरीके से सीखें, समझें और अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ें। जैसे आदरणीय बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाई, तो बनाई ना, अखिलेश सरकार भी रही, मुलायम सिंह जी की सरकार भी रही, किसी ने बनाई? दंगे हुए नहीं, दंगे हुए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि बहन जी को वो अपना नेता फिर भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं अभी भी। कुछ बुद्धिजीवी जो राजनीति को समझते हैं वो तो बहन जी को नेता मानते हैं, लेकिन अधिकतर तादाद में लोग नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि एक तो शिक्षा का अभाव है और दूसरा ये कि वो राजनीति को बेहतर तरीके से नहीं समझते, जिसका ये अभाव है।